देशभक्त तक चैनल में आपका स्वागत है दुकानों के समय में बदलाव को लेकर आज व्यापार मंडल गुहाणा के द्वारा जो है एसडीएम आशीष वशिष्ठ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि हरियाणा में दुकानों का समय आठ बजे तक किया जाना चाहिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद जैन ने एस डी आशीष वशिष्ठ से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि हरियाणा के दुकानदारों का जो समय है दुकानों का जो समय है वो रात्रि आठ बजे तक कर देना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमें काफी छोटे दुकानदार हैं छोटे रेहड़ी वाले हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसी को देखते हुए आज पूरे हरियाणा में व्यापार मंडल जो है ज्ञापन दे रहा है हरियाणा में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा सभी जिलों में सभी तहसीलों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है जिससे जो हमारा दुकानों का समय छः बजे है उसको बढ़ाकर आठ बजे करने के लिए सभी ने ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन जो हमने ज्ञापन दिया है छः से बढ़ाकर आठ करने का उस पर आश्वासन भी मिला है हम आज गोहाड़ा में माननीय एस आशीष वो जी से मिले हैं गोहाणा हमारे साथ मोहनलाल वर्मा जी महामंत्री गोहाणा व्यापार मंडल हम दोनों यहाँ मिले हैं और एस साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे जो आपका ज्ञापन है सरकार तक पहुँचा दिया जाएगा हर हमें पूरा विश्वास है हरियाणा सरकार जो हमारी मांग है अगर छः बजे का समय उसको बढ़ाया जाए वो बढ़ा दिया जाएगा शराब के ठेके भी दस बजे तक खुलते हैं हाँ बस यही है जी देखो हमने किसी से कोई वो नहीं है शराब के ठेके भी खुले हम तो बस यही है देखो व्यापारियों ने हमेशा ही सरकार का व प्रशासन का सहयोग किया है सरकार मतलब व्यापारी आदमी हमेशा सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप काम करती है और मैं गुवाड़ा वासियों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि भी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही अपनी दुकानें खोलें और बंद करें और मास्क लगाएं सभी साथी गाइडलाइन का पालन करें और जो हमें उम्मीद है भाई छः बजे का समय है उसको आठ बजे करने का आश्वासन मिला है उम्मीद है कि उसको आठ बजे तक समय हो जाएगा जी ज्ञापन दिया गया है हाँ जी आज ज्ञापन दिया है वह पूरे हरियाणा में व्यापार मंडल के द्वारा तहसील लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट पे भी और ऊपर सी हाउस में भी पहुँचा है सभी की डिमांड है कि जो दुकानों का टाइम छः बजे तक का किया गया हुआ है उसको आठ बजे तक किया जाए क्योंकि देखो मज़दूर आदमी है जो पाँच बजे तक छः बजे तक मजदूरी करते हैं उसके बाद दुकानों पे सामान लेने आते हैं उनको भी सामान मिल जाएगा और दुकानदारों का भी कुछ काम होगा और सभी दुकानदारों से भी विनती है कि वो अपने ये क्या नाम कोरोना की जो गाइडलाइन दी हुई है सरकार ने उनका पालन करते हुए दुकानों को खोलें और जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ये छोटे दुकानदार हैं रेहड़ी वाले हैं वो प्रभावित हुए हुए हैं रेडी वालों का काम तकरीबन शाम को छः बजे के बाद ही शुरू होता है जैसे कोई सूप वाला है आइसक्रीम वाला है इस तरह के जो भी आइटम आइटमें रखते हैं रेहड़ियों पे, उनका काम तकरीबन छः बजे के बाद ही शुरू होता है और वो छः बजे बंद होने से उन, वो बिल्कुल भूख के मरने के कागार पे हैं तो इसीलिए सरकार से विनती है कि समय आठ बजे तक बढ़ाया जाए कम से कम